अपनी वेडिंग टूर अगर बनाना है उदास नाराज होए बगैर तो 1 करोड़ लेकर चलिए। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार और हमारे न्यू ब्लॉग में। मैं आपका दोस्त पृथ्वी। सबसे पहले मट्टू मानी जय, काड़ूदर मानी जय, सर्वे देवी ने, सर्वे दादा नी जय, हमारा पापा जय। तो दोस्तों जैसे कि कल आपने देखा था हमारा मेहंदी का फंक्शन था साहिल एंड साक्षी का। दोस्तों आज उन्हीं की रिंग सेरेमनी है, तो चलो रिंग सेरेमनी करने के लिए डायरेक्ट हॉल पे पहुंच चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको हॉल दिखाता हूँ कैसा है, उसके बाद सारा शूट स्टार्ट करके आपको दिखाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये एंट्री रेडी हो रही है, अभी रेडी नहीं है, थोड़ी देर में रेडी हो जाएगी। चलो अंदर चलते हैं। फुल देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे अंदर ये सजा रखा है बिल्कुल तरीके से, बहुत बढ़िया लग रहा है। पीछे ले लूं मैं। ज्यादा गैदरिंग नहीं है, छोटी सी ही गैदरिंग लग रही है मुझे, 100-150 बंदे की गैदरिंग है। दोस्तों ये है हमारा क्या कहते हैं सेल्फी पॉइंट, यहाँ पे फोटोज वगैरह खींच सकते हैं। उसके अलावा ये बार एरिया दोस्तों, ये है बार एरिया, आप देख सकते हो। सो गाइस मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ ये हॉल के बारे में। ये जो लोकेशन पे हम आए फॉर्चून ITC, ये है हमारी कसौली के अंदर। इस यहाँ की बुकिंग का क्या हिसाब रहा है? तो दोस्तों हमारे एक क्लाइंट से मैंने पूछा, अंकल जी से पूछा, तो अंकल जी ने मुझे बताया कि यहाँ पे 40 लाख के करीब तो होटल वालों ने ही ले लिए, जिसके अंदर खाना पीना और बैंकेट वगैरह सारी चीज़ें इनको मिले, तीनों वक्त का खाना 2 दिन के लिए दोस्तों, और 3-4 इवेंट, और इवेंट वालों ने लगभग 10-15 लाख रुपये ले लिए। कुल मिला के अंकल जी ने ये बोला कि 55 लाख के करीब बजट बैठ गया है, 55 लाख से ऊपर ही जाएगा, ये हिसाब आया है दोस्तों। मैं सोच रहा था कि इतने ज़्यादा नहीं होगे, लेकिन भाई शादियों में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। अगर इस टाइप की डेस्टिनेशन वेडिंग आप भी प्लान कर रहे हो तो 1 करोड़ तो लेकर चलना ही। और सबसे मेन बात ये कि गैदरिंग सिर्फ 140 बंदों की और 55-60 लाख का खर्चा हो रहा है दोस्तों। कितने की गैदरिंग है? सिर्फ और सिर्फ 140 बंदों की, और खर्चा कितना हो रहा है? 55 लाख के करीब। 55 लाख तो अंकल ने बताया 60 लाख तक पहुंच जाती है बात, 4-5 लाख की तो कुछ हिसाब ही नहीं रहता इतने बड़े में। और अगर आपको डेस्टिनेशन अपनी वेडिंग टूर अगर बनाना है उदास नाराज होए बगैर तो 1 करोड़ लेकर चलिए। अब चलो हम शूट स्टार्ट करते हैं फिर। बहुत बड़ा अमाउंट है, ये बोलने में छोटा सा लगता है लेकिन बहुत बड़ा है। चलो लेकिन है तो है, अब शूट स्टार्ट लेते हैं दोस्तों। अभी यहाँ पे बाहर एंट्री का शूट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो डेकोरेशन हमने पहला शूट ले लिया है, आपने देखा, और ये शॉट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये देखो आपके सामने शॉट आ गया, बताइए कैसा है। सभी हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे इसका शॉट ले रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही बढ़िया हॉल सजाया हुआ है। सभी स्टेट का शॉट ले रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। शॉट ले रहे हैं आप देख सकते हो, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राइट के पाई के शॉट हो रहे हैं। अभी ये सब गेस्ट आना स्टार्ट हो चुके और यहाँ पे भैया शूट कर सब, ये ग्रूम के मम्मी पापा के शॉट हो रहे हैं आप देख सकते हो, और भैया ये शूट कर रहे हैं, रवि भैया भी। वॉकिंग शॉट करवा रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं इनका मम्मी पापा के शॉट ले रहे हैं यहाँ पे। ग्रुप की एंट्री हो रही है, आप देख सकते हो। बात क्या है? बहुत पिछले डांस भी हो रही है, बढ़िया लग रही है। अभी यहाँ पे डालते हुए ले रहे शॉट गाइस, आपने देखा एंट्री कवर करके अब रस्म चल रही है, तो कुछ कैंडिड शॉट्स निकाल रहे हैं हम। कुछ शॉट्स मैंने अभी डाल दिए हैं, आप देख लो वो, और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि सही ले रहा हूँ मैं। जैसे कि वो डालते हुए अलग अलग शॉट्स निकाले, थोड़ी देर में सेशन करने जाएंगे, लेकिन ग्रूम के शॉट्स भी लेने हैं हमें अभी थोड़ी देर में। सब तो साक्षी के पास आ चुके हैं, 7 के लिए रेडी हो चुके हैं साक्षी। और साक्षी क्या फीलिंग हो रही है अभी? नर्वस, बहुत ज्यादा नर्वस हो रही है हमारी ब्राइट।
ऐसे बहुत अर्जेंट में शूट हो रहे हैं, आप देख सकते हो। तो भाई साहब देख सकते हो अभी हम बाहर आ चुके हो, बाहर शॉट ले रहे हो भैया, यहाँ से शॉट ले रहे ऐसे वॉकिंग शॉट ले रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हो भैया। तो दोस्तों अभी हम शूट कर रहे थे साक्षी का, बहुत जल्दबाजी में आना पड़ गया, शूट का टाइम नहीं मिला, जो शूट है वो लिया है, बाकी आपने सब कुछ देखा है। तो गाइस आप देख सकते हो अभी यहाँ पे एंट्री हो रही है गेट की, गाइस एंट्री हो रही है भैया, ये रहे शूट कर रहे हैं, मैं शूट हो रही है यहाँ पे आप देख सकते हो। फैमिली परफॉर्मेंस होने वाली है, पहली परफॉर्मेंस यहाँ पे आप देख सकते हो, परफॉर्मेंस स्टार्ट हो रही है, मैं देख सकता हूँ अभी ग्रुप की 16 परफॉर्मेंस हो रही है, ये आप देख सकते हो अभी यहाँ पे कपल का डांस हो रहा है। तो दोस्तों फाइनली शूट कंप्लीट हो चुका है हमारा, आपने पूरा शूट देखा, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कैसा लगा। चलो इस व्लॉग को इधर ही डन करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू मेरे दोस्तों, सी यू सून, फिर मिलते हैं हल्दी में।